हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल रविंद्र मैथ साइंस पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक क्या है, देखो, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या कहा है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो 17 माइनस 5 करेंगे, मतलब 17 गेंदों में से 5 गेंद निकालेंगे तो कितनी होगी, 12। तो ये कितने गेंदों का क्रय मूल्य रुपये है, क्रय मूल्य कितने गेंदों का है, 12 गेंदों का। अच्छे से समझो, एक बार रिपीट दोबारा पढ़ो, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य, तो 17 माइनस 5 करेंगे तो 12 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है, 12 गेंदों का क्रय मूल्य 720 रुपये। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 720 अपॉन 12, तो भाग देंगे 12 छिका 72, तो कितना रुपये आ गए, 60 रुपये। कितने रुपये आए, 60 रुपये। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जैक इस पोशाक को बेचता है तो 1440 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो ये 1440 रुपये, ये उसका क्रय मूल्य और लाभ दोनों मिक्स हैं तब ये 1440 रुपये हैं। तो कोई भी चीज़ का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्या होता है, 100%। तो 100% तो उसका क्रय मूल्य है इसमें और 20% का लाभ है, यानी कि 120% है, ये क्या है, 120%। तो इसका 1% निकालेंगे तो क्या कैसे निकलेगा, 1440 अपॉन 120, और को 100% निकालेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने देंगे, तो इसको 0 से 0, 12 को 144 से काटेंगे तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई तो 1200 रुपये। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 था, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिले तो ये हानि है ये लाभ है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखते हैं। 13 और 15 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये क्वेश्चन पढ़ो, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 था, तो वस्तु का लागत मूल्य, तो 13% हानि यानी कि नुकसान और ये फायदा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 28। 28 तो 63 में 28 का भाग मल्टीप्लाई 100, तो 7 से कट रहा है, 7 निम 63, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 2500 को 100, 25 निमा 225, तो कितना रुपये आ गया, 225 रुपये। ये वाला ऑप्शन सही है। तो आशा करता हूँ आप सही सभी समझ गए होंगे। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको।